यूटा वर्सेस यूजी पार्ट थर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ यूटा यूजी पर भारी पड़ने लगता है। वो यूजी को भगा भगा करके मार रहा था, तभी यूजी को एक कार में एक चाकू दिखाई देता है जो कि विदाउट कर्ज एनर्जी था, जिससे ऑफकोर्स यूटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन तभी यूजी को गोजो की एक बात याद आती है कि किसी भी टूल या फिर वेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हमारा उस टूल या फिर वेपन पे कितना ज्यादा फोकस है। तभी उस चाकू में कर्ज एनर्जी भर के यूटा पर भरपूर हमला करता है, जिसे यूजी डोज तो करता ही है और साथ में अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हमला भी करता है, जिससे यूजी को बहुत गंदा डैमेज पहुंचता है। लेकिन यूजी उसकी सोर्ड को अपने पैरों के नीचे दबा करके तोड़ देता है। लेकिन तभी यूटा रीका को समन करता है, जो कि यूजी को पूरी तरह से जकड़ लेती है। पूरे जेजे के यूनिवर्स में ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट है जहां पर गोजो सातोरू के दो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, जिसके बाद यूटा यूजी को फाइनली मार देता है।